ए.के. मिश्रा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम। आज का मुद्दा बात हो रही है कि जम्मू कश्मीर में जो पत्थरबाजी के लिए युवाओं को वेतन दिया जा रहा था, जो प्रलोभन दिया जा रहा था, अब जम्मू कश्मीर के युवा समझ चुके हैं। लेकिन उसके अलावा अब उस बीमारी को दूसरे राज्यों में भी फैलाया जा रहा है। अलगाववादी नौकरी के नाम पर दूसरे राज्यों के युवाओं को भी जम्मू कश्मीर में इस बीमारी में धकेल रहे हैं। ताजा मामला उत्तर प्रदेश के दो इलाकों से आया। सहारनपुर और बागपत के जो युवा जम्मू कश्मीर में काम करने के लिए गए थे, उनको वेतन के बदले पत्थर उनके हाथ में जो है वो थमा दिया गया। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ए.के. मिश्रा जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? लगातार ये आरोप लग रहे थे अलगाववादी के ऊपर कि आप जो है पैसा देकर पत्थर फिंकवा रहे हैं। उनका कहना था कि ये जम्मू कश्मीर के युवाओं का गुस्सा है जो इजहार कर रहे हैं, ये गुस्सा नहीं था, सुनियोजित तरीके से सारा कुछ काम हो रहा था। ये आसिफ देखिए, टेररिज्म की अगर आप पूरी हिस्ट्री और मैकेनिज्म को देखिए तो वर्ल्ड के जो कोने कोने में अभी भी जो है ये सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल और क्राफ्टेड है। इनकी फंडिंग कहीं ना कहीं से होती है। लेकिन ये खबर जो आप दिखा रहे हैं, अगर ऐसी खबर आई है तो इसका एक सबसे पॉजिटिव संदेश ये है जो मैं कंक्लूड कर सकता हूँ कि आइडियोलॉजिकल वे पे कश्मीर के सेपरेटिस्ट जो है आतंकवादी हैं उनकी कमर या रीढ़ की हड्डी टूट गई है। यानी उनको आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने के लिए न अब यंगस्टर्स हैं न फैमिलीज हैं। यही रीजन है कि वो जो है लड़के बाहर से जो है मंगा रहे हैं, चाहे उनको पैसे का लालच देके चाहे कुछ करके। मतलब तो साफ है ना, पहले तो आप बोलते थे कि भाई ये कश्मीरियों की जंग है, ये जिहाद की जंग है। अब कश्मीरी क्या हुआ, कश्मीरी क्यों नहीं पत्थर जो है फेंक रहे हैं, आप लालच देके बाहर से क्यों मंगा रहे हैं लोगों को? तो ये एक आइडियोलॉजिकल बहुत बड़ी विजय है, जो बोलते हैं ना सत्यमेव जयते, जो हमारा उद्घोष वाक्य है हमारे देश का। तो मैं उसको जो है इससे इस चीज से मैं कोरिलेट करना चाहूंगा कि आइडियोलॉजिकल उनकी कमर टूट गई है। दूसरा एक चीज और, हम सब लोगों को गवर्नमेंट को एक प्रिकॉशन लेना है। देखिए होता क्या है, अगर ये परंपरा इन्होंने शुरू कर दी है तो इसमें एक रिस्क ये भी हो सकता है कि चूंकि बेरोजगारी हर देश में है और हमारे देश में भी है, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये प्रोफेशनल वे में एक जो है गलत तरीके से ये रोजगार का एक मुद्दा बन जाए, एक जरिया बन जाए, एक तरीका बन जाए। सरकार को यहाँ पे चौकन्ने रहने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको और ये बताऊंगा, केवल कश्मीर ही नहीं, मुझे लगता है कि थोड़े दिनों की ये लड़ाई और है। आप पाकिस्तान के टीवी चैनलों को देख लीजिए, वहां पे भी ये बहस एकदम से तेज है। वहां के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, माँ बाप हैं, जो टेलीविजन पे आते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि हमने चार चार जनरेशन केवल हथियार उठाने में, लड़ाई लड़ने में, ये करने में, वो करने में, कभी आप बोलते हो अमेरिका का कोई प्रॉब्लम है तो भी आप हमारे नौजवानों को वहां पे डाल देते हो। तो वो बोलते हैं हमारी पूरी जनरेशन इसमें बर्बाद हो गई, आपके लड़के बाहर रह रहे हैं, आप पूरा ऐशो आराम कर रहे हो, हमारे लड़के जो है हथियार उठाए, हमारे लड़के लड़ाई मार झगड़ा करे। अब हकीकत को सब समझने लगे हैं, इसलिए कोई भी अपने बच्चे नहीं, आप अपने बच्चे जो है विदेशों में पढ़ा रहे हैं, विदेशों में नौकरियां कर रहे हैं। मैं चार पांच साल पहले मैं कश्मीर गया था, मैं ऐसे ही कॉमन में बात कर रहा था। वहां पे लोगों के अंदर ये चीज है कि साहब हमारी दो तीन नस्लें, दो तीन जनरेशन बर्बाद हो गई। दुनिया इस दो तीन नस्ल का मतलब हो गया 50-60 साल, आप समझ लीजिए दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। आप भारत को देख लो, 50 साल पहले कहां थे, आज हम मंगल पे पहुंच गए हैं। हाँ। तो उनको लगता है कि केवल वैली को छोड़ के बाहर के लोग कहां से कहां पहुंच गए और हम वही अभी बाबा आदम के जमाने में 60 साल पहले वाली दुनिया में हम जी रहे हैं। हमारी आइडियोलॉजी है वही है, हमारे नारे वही है, हमारी डे टू डे की एक्टिविटी वही है। काम काज कुछ करना है नहीं, इल्म कुछ लेना है नहीं, कहीं कोई एजुकेशन लेनी है नहीं, डॉक्टर इंजीनियर बन नहीं रहे हैं। बिल्कुल, तो तंग आ गए हैं उस बेरोजगारी का, इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं ये अलगाववादी नेता। क्या ए.के. मिश्रा जी, क्या इसके पीछे एक ये भी वजह है कि युवा वहां समझ रहे हैं, मुख्य धारा में आ रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार ने काफी कोशिश की कि वहां के जो युवा हैं उनको रोजगार दिया जाए, मुख्य धारा में आए, वो इन चीजों को समझें। सरकार ने बहुत सॉफ्ट तरीके से उनके साथ में पेश आए, कहीं ये भी वजह हो सकती है आसिफ? देखिए, या इससे पत्थरबाज बढ़े? नहीं, मैं बता रहा हूँ आसिफ, देखिए क्या है, हर चीज का एक, जैसे कोई भी आंदोलन हुआ, कुछ भी हुआ, चाहे वो गलत हो या सही है, एक नेचुरल वियर एंड टियर होता है। भाई आंदोलन या कोई तहरीक वगैरह जो भी है, ये क्या है, आपको अपने उद्देश्य को पाने का एक जरिया है। आपने एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, पचास साल अगर आपने उसको ट्राई किया और रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है वो तरीका गलत है। तो ये एक, यही चीज है कि टाइम के साथ साथ आदमी का परसेप्शन बदलता है।
कश्मीरी लोगों को अब ये लगने लगा है कि हमने जो तरीका अपनाया वो तरीका गलत है। अब इससे देखिए दोनों चीजें हैं, ठीक है, भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है, हो सकता है पहले उनके दिमाग में ये मिथ था जो पाकिस्तानियों ने या कहीं से भी भरा गया था कि भाई हम ऐसा करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा, वो सब जवाब दिखाया गया था, लेकिन उनको अब चारों तरीके से और पॉजिटिव वे में ये लगने लगा है कि भाई हम ये चीज जो हमने अभी तक किया ये गलत है। और यही रीजन है कि पाकिस्तान में भी अब ऐसे ही आवाजें उठ रही है, जनता वहां पे भी बगावत कर रही है कि भाई हमें लड़ना उड़ना नहीं है, हमें विकास के साथ और दुनिया के साथ कदम ताल मिला के चलना है। इसमें सबसे बड़ी खूबी यह है, मैं आपको ये बताऊंगा, हमारी सरकारी एजेंसियों ने और देश की जनता ने भी इनके ऊपर से जो नकाब उठाया है ना, अभी पिछले 4-5 सालों से आप देखिए, ऐसे मैंने एक दिन आसिफ पहले भी यहाँ पे बोला था कि ये जो आतंकवाद की लड़ाई होती है ये 2 लेयर पे होती है, एक होती है आइडियोलॉजिकल लेवल पे और दूसरी होती है ग्राउंड जीरो लेवल पे। तो ग्राउंड जीरो लेवल पे तो आपकी फोर्सेस वगैरह काम करती हैं, जहां बम गोली चल रही है वो उसको मैनेज करने के लिए बम गोली ही चाहिए। आइडियोलॉजिकल इनको जो है कमजोर करने के लिए और तोड़ने के लिए जो अभी काम हमारे देश में हुआ है वो बहुत अच्छे तरीके से हुआ है और इन चीजों पे इनको एक्सपोज किया गया कि भाई इनकी दौलत कितनी है, फॉरेन में आप देखो इनकी दौलत कितनी है। और इवन सलालुद्दीन जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है उससे एक पत्रकार ने ये क्वेश्चन पूछा था कि भाई आपका लड़का कहीं फॉरेन में डॉक्टर है, बहुत अच्छा, मतलब वो डॉक्टर है या क्या है, या इंडिया में ही है शायद। बोले आप अपने लड़के को क्यों नहीं इस जिहाद में उतारते हो या इस चीज में उतारते हो, आपको अगर ये चीज इतनी अच्छी लगती है तो आपकी फैमिली, आपके वाइफ, आपके बच्चे क्यों नहीं है, वो डॉक्टर है, वो इंजीनियर है, वो सरकारी पदों पे आसीन है, मोटी तनख्वाहें ले रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, वो क्यों नहीं उतरते हैं सड़कों पे ये सब करने के लिए। तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, ऐसे ऐसे लोगों के पास इन सब चीजों का कोई जवाब नहीं है। जरूरत सिर्फ ये है कि इसी आइडियोलॉजिकल वॉर को और तेज करने की, ताकि एक एक आदमी, देखिए वहां का जो एक आम कश्मीरी है, अगर आप जाइए हाउस बोट वगैरह में आप शेयर करिए, वहां पे ठीक है तकलीफें हो सकती हैं, लेकिन इन लोगों की आइडियोलॉजी से कहीं कोई वो नफरत वाली बात उनके अंदर से नहीं दिखती है। कुछ एक ऐसा तबका है जो पूरे वैली में हॉबी हो गया है किसी न किसी चीज को लेके, चाहे वो पॉलिटिकल वे में बड़े मजबूत रहे हो, रुपए पैसे से मजबूत रहे हो, उनके साथ बंदूक वालों की पूरी एक लॉबी है। देखिए जब बंदूक होता है तो एक कॉमन आदमी बड़ा मजबूर होता है, आप अगर बंदूक किसी की कनपट्टी पे लगा देंगे तो ये सारी सिचुएशन वहां बदल रही है। और इसमें सूचना तंत्र, जो टेक्नोलॉजी और ये मोबाइल हैंडसेट स्मार्टफोन आए हैं ना, इसका बहुत अच्छा उपयोग हुआ, इसने बहुत अहम रोल प्ले किया है। पहले तो सुनी सुनाई बातें होती थी, अब लोग वीडियो को, इन सब चीजों को, भारत की प्रॉस्पेरिटी को, दुनिया की प्रॉस्पेरिटी को जो चेंजेस आ रहे हैं वहां के लोग भी देख रहे हैं, बिल्कुल देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और वो भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि उसी हिसाब से जिए जिस हिसाब से दुनिया जी रही है। लेकिन प्रवीण भारती जी, क्या सरकारों की, हमारे यहाँ की राज्य सरकारें हुई या केंद्र सरकार, क्या उनको नहीं सोचना चाहिए कि युवा अगर इतने तादाद में बेरोजगार होंगे, ये तो एक गुनाह हो गया, तो युवा फिर इसी तरह से अपराध की तरफ को जाएंगे, उनको तो रोजगार चाहिए, उनको तो पैसा चाहिए, तो सरकारों को तो समझना चाहिए। देखिए आशिफ जी, ऐसा है, उत्तर प्रदेश एक देश का बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश के जो लगभग 75-80 जो जनपद हैं, मैंने अभी पूरे प्रदेश का दौरा किया है, पूरे प्रदेश में बेरोजगारी का ये आलम है। अभी मैडम ने कहा कि स्केल इंडिया, ये सारी चीजें एक योजनाबद्ध तरीके से चल रही हैं, लेकिन धरातल की हम लोग बात करें तो धरातल पर बिल्कुल भी नहीं है। अभी क्या है, जो बागपत और सहारनपुर का युवा है, जो गांव देहात का क्षेत्र का युवा है, उसे अच्छे और बुरे का अभी फर्क भी जानकारी नहीं है। तो जब तक स्थानीय स्तर पर रोजगार नहीं मिलेंगे तब तक ये युवा इसी तरीके से भटकते रहेंगे। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि सरकारों को चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल, जब तक सरकार रोजगार के मुद्दे पर महत्वपूर्ण तरीके से काम नहीं करेगी तब तक ये युवा और जो बेरोजगारी है वो बढ़ती रहेगी। तो सबसे पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि प्रदेश में रोजगार को लेकर के अधिक कार्य करना। प्रवीण भारती जी, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर खड़ा हो गया, क्या आपके यहाँ पर, मैं आऊंगा मीनाक्षी जी, क्या आपके यहाँ के युवा कश्मीर में जा रहे हैं रोजगार के लिए और वहां पर क्या कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश की सरकार के लिए भी एक बड़ा यहाँ पर मसला हो गया। नहीं, मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर वो भटके हुए नहीं, भटके हुए होते तो वो वहीं पे रहते, हाँ, वापस नहीं आते। देखिए ऐसा है, देखिए ऐसा है, मानव हैं हम और मनुष्य होने के नाते मुझे अच्छे और बुरे का फर्क पता है।
और जो मजदूर वर्ग हैं उनको भी जो है पता होता है। अभी जो सरकार की आपने कहा कि सरकार को चिंता करनी चाहिए, बिल्कुल सरकार को इस पे अधिक चिंता करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश का युवा नौकरी को लेकर के जम्मू कश्मीर में गया और उससे वहां पत्थरबाजी कराई। हाँ, तो सरकार को इस पे जो है अधिक काम करना चाहिए और इन सारी चीजों को जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके माध्यम से भी ये जांच होनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के लोग राज्य सरकार को। एक मिश्रा जी, आप अपनी बात रखिए और मेरा सवाल भी साथ में, राज्य सरकार को भी सोचना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में वो कौन लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के युवाओं को जो है बैला फुसलाकर जम्मू कश्मीर में लेकर जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी जाल बिछा हुआ है, राज्य सरकार को वहां तक भी पहुंचना है। मैं बड़ी विनम्रता से मैं इस मैटर को थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूं। देखिए क्या होता है, एक राष्ट्र भारत हमारा देश है, मैं बोलता हूं इसका सबसे अहम कंपोनेंट कौन होता है, इसका सबसे अहम कंपोनेंट हम देशवासी होते हैं, यानी एक आदमी। मैं बोलता हूं पॉलिटिकल पार्टियां गलत हैं, सही कर रही है, रोजगार पैदा कर रही है, नहीं कर रही है। सबसे पहले बीइंग ए सिटीजन, इंडिया का वासी होने के कारण मेरा कर्तव्य क्या है, मेरा कर्तव्य यह है कि मैं कितना भी गरीब रहूं, कितना भी मुझे परेशानी आए, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं सेपरेटिस्ट बन जाऊं। तो सरकार को दोष देना है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी सरकार को केवल नहीं बनाना है कि जी सरकार नहीं कर रही है तो लोग आतंकवादी। भारत में 40-45% मुझे एग्जैक्ट पता नहीं, नहीं है, लेकिन रोजगार के सृजन तो पैदा नहीं, रोजगार तो करना राज्य सरकारों को पैदा करना पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट देखा जाए तो 30-35-40% जो भी बेरोजगारी है आतंकवादी। देखिए बात ये नहीं कही जा सकती कि जो भी बेरोजगार है वो आतंकवादी बन जाएगा या गलत रास्ते अख्तियार करेगा, लेकिन सवाल ये है कि सरकारों को ये बात समझना चाहिए। हमने गांव में सरकार, देखिए सरकार की बात क्या है, ये एक मुद्दा ही अलग है। आप गरीब हैं, आपके साथ प्रॉब्लम है, तो देखिए हर नागरिक यहाँ पे जो भी है, आपने शुरू में भी आप लोगों ने ही ये बोला था कि उनको गलत इन्फॉर्मेशन दे के बहला फुसला के ले गया और जैसे ही उनको पता चला वो वापस आ गए। इसका मतलब है कि भले वो गरीबी सह लेंगे लेकिन सेपरेटिस्ट नहीं बनेंगे, देश छोड़ने के काम में वो शामिल नहीं हो गए। ये हमारी एक इंडिविजुअल नागरिक की ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। आसिफ मैं आपको क्या बताऊं, देखिए हम तो उस एरिया से हैं, गांव से, शहरों में, मेट्रो में, ऐसे ऐसे लोग मुसीबत में हैं जिनको रोजगार नहीं है, शादी करने के लिए पैसे नहीं है, इलाज करने के लिए पैसे नहीं है, और भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या इन सब चीजों से पीड़ित है। तो अगर ऐसे देखेंगे इस मुद्दे पे, अगर ये लॉजिक देंगे तो पता चला 35% लोग तो आतंकवादी बन गए। ये गलत तरीके से मैसेज को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं। दूसरी चीज ये है, ऐसा कौन सा देश है जहां पे बेरोजगारी नहीं है, लोग सड़कों पे पटरियों पे नहीं सोते हैं। देखिए ये सारी चीजें जब से मानव का, देखिए एक संभावना, देखिए मैं इसका एक देखिए एक एक उदाहरण दूंगा। ऐसा नहीं कि जो भी कहना बिल्कुल मुद्दे से अलग जाके कि स्मोकिंग कर रहा है तो उसको कैंसर ही हो जाएगा, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। बेरोजगार होने की वजह से वो ना फायदा उठाने की कोशिश करते, संभावनाएं बढ़ जाती हैं उनको लालच देकर। देखिए ये बिल्कुल आपने जो संभावनाएं बढ़ जाती है, ये नहीं कह रहे कि वो बन ही जाएंगे, आप उसको गलत लेके जा रहे हैं। मैं आपको ये बताता हूं, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आसिफ आप देखिए 70 सालों से बेरोजगारी है, बेरोजगारी के मुद्दे पे हम कभी फिर बात करेंगे, बिल्कुल वो मैटर दूसरा है, लेकिन सवाल ये है कि बेरोजगारी होने का अंतिम विकल्प ये नहीं है कि आप बेरोजगार हो गए तो आपके पास एक ही रास्ता बचा है कि आप AK-47 उठा लो, आप आतंकवादी बन जाओ। आप बेरोजगार हैं, आपके पास 50 और रास्ते हैं, आपके साथ सरकार और आपके अड़ोसी पड़ोसी। AK मिश्रा जी, अगर ये जहन होता तो वहां पर वो पत्थरबाजी ही करते रहते, नहीं देख वो पत्थरबाजी ना करके वो वापस आ गए। जैसे एक मुद्दा ही नहीं, बिल्कुल वापस आ गए। देखिए भारत का जो यूथ है, मैं आपको बताऊं, नहीं ये हमारी परंपरा रही है आसिफ कि देशभक्ति हम लोगों को ना आरएसएस ने सिखाई, ना बीजेपी ने, ना कांग्रेस ने, हमारे बाप दादाओं ने, हमारे नाना नानियों ने, जब हम पैदा होते हैं उसके पहले से ही वो देशभक्ति की बातें और ये भावना भरी जाती है बच्चों में कि ये देश हमारा है और कुछ भी हो जाए हम झोपड़ी में रह लेंगे लेकिन हम सेपरेटिस्ट नहीं बनेंगे, हम देश के खिलाफ नहीं जाएंगे। यही भावना उन बच्चों में भी थी कि जैसे ही उनको हकीकत पता चली वो छोड़ के आ गए। बावजूद इसके कितने परसेंट लोग, कितने लोग हैं जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी कर रहे हैं, क्या उनके घर वालों ने नहीं सिखाया होगा? नहीं, मैं लेकिन कुछ लोग बहलाने फुसलाने में आ जाते हैं। अगर नहीं आते तो कानून क्यों इतने बनते या ये जेलें क्यों बनती, ऐसा नहीं होता। पत्थरबाजी का आप झुंड देखेंगे तो वही 100-200 लड़के हैं जो हर बार दिखते हैं आपको, हर इवेंट में दिखते हैं। मैं मीनाक्षी जी क्या, देखिए मिश्रा जी वक्त की कमी है, क्या राज्य सरकार ने सख्ती से पत्थरबाजों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में काम नहीं किया, कदम नहीं उठाया? क्या इसकी वजह एक ये भी रही कि पत्थरबाजों की तादाद बढ़ी?
जो आरोप भी लगे राज्य सरकार के ऊपर। तादाद बड़ी और छोटी की बात नहीं है, एक कुछ नैतिकता और कुछ दया की भावना जो है हमारे भारतीय सोल्जर्स में और सरकारों में हमेशा रही है। मैं आपको बताऊं, इससे बड़े बड़े आंदोलन होते हैं और अगर वो आंदोलन गलत है तो कोई भी स्टेट गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरीके से उसको मैनेज कर लेती है, लेकिन थोड़ी सी उनको सहूलियत ये दी गई कि उनके साथ उतने सख्ती के साथ नहीं निपटा गया। एक बार छोटी सी सख्ती जो है सेना ने दिखाई थी, पहले दिन रहम मांगने लगे थे वो लोग, पूरी दुनिया में तो हल्का मत किया था कि इंडियन आर्मी ने, जबकि वो लीथल वीपन भी नहीं है, उससे छोटे मोटे घाव होते हैं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने सख्ती बीच में दिखाई, पॉलिटिकल अड़ंगेबाजी के कारण वो सख्ती कंटिन्यू नहीं हो पाती है। ये 100-200-500 जो रहते हैं पत्थरबाज, इनके लिए तो मिलिट्री के 4-4, 10-20-50 जवान ही काफी है। टैक्टिक्स बहुत है, टेक्निक बहुत है, लेकिन सवाल वहां पे वही आ जाता है कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता ये होती है कि भाई हम अपने लोगों पे गोली नहीं चलाएंगे, अपने लोगों पे सख्ती नहीं बरतेंगे। मैं बोलता हूँ ये पत्थरबाज तो छोड़िए, जो इनके मास्टरमाइंड है, जो इनके बॉस है, जो इनके आका है, बुरहान बारी को छोड़ा गया, जब मिलिट्री ने ठान लिया तो उसको पकड़ करके चूहे की तरह मारा गया। तो सवाल इस चीज का नहीं है, सवाल सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा जो मुझे अड़ंगा दिखता है कि कुछ भी थोड़ा सा होता है फिर तुरंत वो शांति पीस की और उन सब चीजों की बातें शुरू हो जाती है, पूरा ऑपरेशन बिल्कुल वक्त की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में आने के लिए।